दीन दुनिया दे मालक गुरु नानक साहब प्रगट होए। दुनिया ते उन्हां दा आगाज होया, प्रगट होए ने कादे लई? बाणी नूं पुछो, कहिंदे भूले कौ गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भगती लाया। जिहड़े लोग भुल गए, जिहड़े लोग करित नूं ते याद करदे सन, करते नूं विसार दिता। ठीक है, देवी देवते महापुरश रहबरां दा सत्कार है, पर लोग करित दी पूजा ते करी गए। जिस अकाल पुरख ने सारे साजे नवाजे ने उहदा चेता भुला दिता, मूर्ति दा अदब करी गए, चित्रकार दा ख्याल ना रहा। गुरु नानक साहब उस चित्रकार नाल जोड़ना है, अपने निर्गुण स्वरूप दे नाल जोड़ना है। जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरपूरे की बेअंत वडाई। उहदी वडियाई बेअंत है, जन्म ते मरण की पीड़ा मिटाउण आए ऐसे गुरु नानक साहब दुनिया ते प्रगट होए। भाई साहब भाई नंद लाल कहिंदे ने, उपदेश देण विच गुरु नानक नालों वड्डा कोई गुरु नहीं है। फारसी दे परशियन दे बोल ने, उस महापुरश दे दर इरशाद, वा हदायत बा आलमियान कफा, दर जमान वा शफायते, हर दो जहारा उफा। ये अर्थ समझो भाई नंद लाल कहिंदे, गुरु नानक साहिब संसारियां नू इरशाद भाव हुक्म देण लई सारिया नालों उच्चे ने, सारिया नालों उन्हां दी बुलंद हस्ती है। इत्थे लफ्ज वरत्या है कफा, कफी कहिंदे ने जिहड़ा बहुता उच्चा है दुनिया तो। जमाने दे विच महाराज सब तो उच्चे ने, सब तो बुलंद ने, और दरगाह विच भी सब तो वध के उन्हां दी हामी ही गिणी जांदी है, उन्हां दी सिफारिश ही चलती है। लेखे चाहुणा है तेरे निबड़ जाण, करमां ते कांटा वज जावे। कहिंदे गुरु नानक दे चरण फड़, नानक जिन को सतगुर मिलिया तिनका लेखा, निबड़िया सारे दुखां दे लेखे उह नबेड़ दिंदा है। ते जदों सब तो उच्चे ने उपदेश देण वाले, जिन्हों गुरु नानक ने उपदेश दे दिता, उन्हों फिर होर किधरे सजदा करन दी लोड़ ना रही। महाराज गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने, तिनको क्या उपदेशी है जिन गुरु नानक देओ। जिन्हां दा देव गुरु नानक है, मालक गुरु नानक है, जिन्हां नूं उपदेश गुरु नानक ने दिता है, उन्हां नूं होर किधरे उपदेश लैण दी लोड़ नहीं रही। गुरु नानक साहिब नूं जिन्हां मुरशद धार लिया है, ऐसियां अगमी अजमतां दे मालक सन पातशाह। जदों तुसीं उन्हां दा जीवन पढ़ते हो, एक गल दी समझ पैंदी है भी साढ़े दुनियावी लोकां वांग उन्हां नूं पढ़ाई करन दी जरूरत नहीं पई। बच्चे नूं लोड़ है ना विद्या हासिल करन दी, स्कूलां कालजां च जाण दी, जीवन जाच सिख सके। पर गुरु नानक सतगुरु है, वो तुहाडे साडे न्याणिआं वर्गा नहीं है भी उहनूं पढ़न दी लोड़ है, पढ़ाउण आया है दुनिया नूं। ये गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने, पुछो जी ये की कारण है भी की गुरु नानक साहिब गुरु अर्जन साहिब धुरों ही पढ़े ने। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने, तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। जन्म तो ही गुरु नानक गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह, तुसी ब्रह्म दी अपने निर्गुण दी पहचान वाले हो, ब्रह्म दे ज्ञान वाले हो, तुहानू पढ़न दी लोड़ नहीं है। पर हुण दुनिया दे विच प्रगट होए ने, ते बाप ने ते फिर उही करना है ना जो दुनिया विच कीता जांदा है, उही किरत करेगा बाप, उही कर्म करेगा। हुण दीन दुनिया दे मालक लोकाई नूं पढ़ाउण आए ने। पिता ने वेख्या है भी इन्हां दी उमर हुण पढ़न दी हो गई है, पांधे कोल लै जावां, इन्हां नूं पढ़ावां, पढ़ पुढ़ के पटवारी लग जाणगे, मेरे वाली नौकरी करनगे।
देखो आपा दुनियावी लोग हाँ, विद्या बड़ी जरूरी है, अध्यात्मक ते दुनियावी दोनों पाखी। विद्या विचारी तो परोपकारी, जे तुसी दुनियावी विद्या पढ़ोगे कोई वड्डे अवसर लगोगे अपनी कम्यूनिटी का ही कोई फायदा करोगे। वैसे तो अजकल साडा सारिया का ध्यान कनेडा अमरीका दौड़न वालू है, 12 करके आइलट्स करके दे उडारी ला जाई दी है। पर मैं बेनती करता हूं भी ठीक है, जिन्हें बाहर भी जाना है ना, सारी उम्र पई है पैसा कमाउण दे लई। साडे बच्चे जांदे ही ट्रक ते बह जांदे ने, फीस भी छड्ड दिंदे ने, विद्या भी छड्ड दिंदे ने। जिन्ना चिर तुसी किसी ऑफिसर रैंक ते नहीं ना बह जांदे, जिन्ना चिर किसी दफ्तर च नहीं बह जांदे, पोलिटिकली सरगर्म नहीं हुंदे, तुसी कम्यूनिटी दा कौम दा भला नहीं कर सकते। ट्रक चला के पैसा बड़ा बनता है बाहर, किरत करनी माड़ी नहीं है, ठीक है अपने लोग ट्रक चलाउंदे ने, पर जिन्हां कोल समां है विद्या पढ़न दा, वह दफ्तरां तक पहुँचोगे, चंगी विद्या लओगे तो कोई अपने धर्म का सवार लओगे। इत्थे भी सानू चाहीदा है IPSO IAS एग्जाम देने चाहिए ने, कोई वड्डे अहुदे होणगे तो फिर ही सिख कम्यूनिटी का तुसी भला करोगे। दुकानां विच बह के कौम दे भले नहीं हुंदे, रोटी चलाई जा सकती है। सो थोड़ा जिहा बच्चियां नूं इधर नूं प्रेरिए आपां अफसरशाही वल नूं। दीन दुनिया दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने विद्या पढ़, जे पढ़ेगा तो फिर परोपकार कर लवेगा। दुनियावी विद्या जे आउंदी है अवसर लाके को भला कर लवेगा, तो जे अध्यात्मक विद्या है तेरे को फिर तो लोकाई नूं तार सकदा है, तू महापुरश हो निबड़ेगा। खैर दोनों पक्ष सानू पातशाह ने सिखाए ने, पर गुरु आप परमेश्वर है, उन्होंने पढ़न की लोड़ नहीं। गोपाल पांधे वालू पिता लैके जान लगे ने। कवि संतोख सिंह लिखते ने, नानक प्रकाश विच हेरत सुत कालू, हरख बिसालू पढ़ नो चित मन जान, हम काज विशेखा सीख है लेखा बैस अबह पहचान। साड़ी कार केंदे पटवारी वाली है, किरत ये मैथेमैटिक्स पढ़ लवे, लेखा सीख लवे, ये भी पटवारी लग जाएगा, यदि उम्र होई है। हुण बाहों फड़ लिया, उत्थे पांदा सी पिंड विच गोपाल उहदे वल चल पए, आप पासे टिक गए, अपने फरजंद नूं गोपाल पांदे दे सामें बिठा दिता। वह खुश बड़ा है भी अफसर का मुंडा मेरे को पढ़न आया है। तो हुण जिहदे कोल अफसर का मुंडा पढ़न आया उहदी मशहूरी हो जाणी, होर भी लोग पढ़न आया करनगे, उहदी कमाई वधेगी। हुण सोचता है भी जे इहनूं चंगी विद्या दवां तो मेरी जय जयकार होवेगी। पटवारी की सांझ बड़ी है, होर बच्चे मेरे इत्थे विद्यालय विच लै के आवेगा। बिठा लिया है पास, तो गुरु नानक साहिब नूं कहिंदे ने गोपाल पांधा जी भी पिछे पिछे बोलो। पहला दिन जेड़ा अल्फाज गलुए चों पांधा कढ़दा है गुरु नानक साहिब पिछे बोल दिंदे ने। सोचता है भी इहनूं अल्फाज गंढने भी नहीं पैंदे, जिद्दां मैं बोलदा उस तरह बोल दिंदा है। अज दा दिन वधिया लंघिया है, पिता नाल घरे चले गए, महिता कालू जी दे नाल गुरु नानक साहिब अगला दिन चढ़िया, फिर वापस लैके आए ने स्कूले पढ़ाउण दे लई। जदों विद्यालय पहुँचे, अज पांधा जो भी बोलता है गुरु नानक साहब पिछे नहीं बोलते। पांधे नूं बड़ा गुस्सा है भी कल चंगा भला पिछे बोलता सी, अज ये जुबान ही नहीं खोल रहा, मेरी तो हानि होवेगी, तौहीन होवेगी। कहिंदे पढ़ ला, पढ़ाई कर लै, पिता वांगू नौकरी कोई कर लवी, जिंदगी का निर्वाह चल पवेगा, इदा भुखे मरना है। गुरु नानक साहब किसी अगमी रस विच बैठे हुए ने, गलुए मुबारक तो बोल प्रगट हुए, पांधा जी जिहड़ी पढ़ाई तुसी पढ़ा रहे हो की ये दुखां दा रोगां दा सोगां दा जन्म दा मरण दा बेड़ा पार करदी है, की ये तुहाडी पढ़ाई निजात दवाउंदी है, मुक्ति दवाउंदी है,
कि ये पढ़ाई कीत्या सदीवी मन नू सुख मिल सकता है, आनंद नाल जीवन बतीत हो सकता है, लिबरेशन मुक्ति मिल सकती है। पांधा कहिंदा भी इहो जी पढ़ाई तो नहीं आउंदी, ये पता है भी जे पढ़ लवें तो कोई नौकरी मिल जाएगी, चार पैसे मिल जाएंगे। गुरु साहब कहिंदे पैसे दे नाल सहूलतां खरीद सकदा है, सुख कर्मां दा है, देना परमेश्वर ने है, मुक्ति दाता वो है। पांधा जी मैं वो पढ़ाई पढ़दा हाँ जिहड़ी रोग सोग मिटाउंदी है, 84 लाख जूनां तो नजात दवाउंदी है, जिहड़ी कर्मगत बदल दिंदी है, जिहदे नाल सुख ही सुख है, दुख भी सुख जापदा है, ऐसी बख्शिश हो जाती है। कहिंदा मैं तो जानदा नहीं, तुसी सुना दिओ। उदों फिर गुरु नानक साहब ने श्री राग महला पहला प्रगट किया। वेखो बचपना है, हजे दूजा दिन है जमात का, और बाणी फुट पई अंदरों, जाल मोह कस मस कर मत कागद कर सार। कहिंदे पांधा जी फिर इधर आओ, इदा करो, आ जिहड़ा कहिंदे हो ना पढ़ ला माया कमा लवेंगा, जीवन सौखा बतीत होवेगा, कहिंदे इस माया दा मोह दिओ साड़, इस मोह नूं साड़ के इहदी शाही तैयार करो, इहनूं कसा के शाही बना लवो, अकल दा कागज बनाओ। पांधा कहिंदा फिर जी अगे पातशाह कहिंदे ने पाओ कलम कर चित लिखारी, गुरपुछ लिख विचार। प्रेम दी कलम बना, कलम बना करके अपने मन नू लिखारी ला। पांधा कहिंदा महाराज फिर की लिखा, कहिंदे मेथों सिखिया लै मेरे निर्गुण स्वरूप परम ईश्वर दे गुणा नू लिख, भाव मन दे नाल जप। हुण गुण की ने उहदे, लिख नाम सालाहा, लिख लिख अंत ना पारावार, उदी वड्याई लिख, कर्म नाम लिखो की हुंदे ने। तुहाडे ते दया करदा तरस करदा तुसी उहनू दयालू कहता, ये कर्म नाम है उहदा। कृपा करदा तुसी उहनू कृपालू कह दिता, कर्म नाम है उहदा। रहम करदा रहीम कहता तुसी, ये सारे कर्म नाम। जो जो साडे ते एहसान करदा असी उही नाम रखे ने। महाराज किन्ने क नाम जपा, किन्ना क लिखा लिखा, कहिंदे अंत नहीं है। सागर दा उरला कंडा ते परला लभ सकदा है जिहनूं अथाह कहिंदे ने लोग, पर मेरे निरंकार दा ना उरला कंडा ही है कोई, ना परला कंडा ही है। यही लिखदे भी तेरे गुणा दा कोई अंत नहीं है, तू बेअंत है, तू बेअंत है बाबा, इहो लेखा लिख जाण। कहिंदे ए लेखा लिखणा सिख लै, जिथे लेखा मंगीऐ तिथे होए सच्चा निशान। कहिंदे फिर जदों दुख आया ना, दुख ये लेखा जिहड़ा लिखिया होवेगा ना, परवाना तेरे कोले दुखां तों छड़ावेगा। जदों मौत आई, मौत दे भय तों यह परवाना नजात दवावेगा। जदों दरगाह विच तेरा हिसाब होया, जे तू लेखा इनाम दा लिखिया होया ते तैनूं नरकां तों वी बचावेगा। हुण तुसी कदे देखियो रैड लाइट ते जदों पुलिस वाले घेर लैण ना, ते जिन्हां दी पहुँच लीडरां ताईं हुंदी है, जेब चों कार्ड कढ लैंदे ने ते मैं फलाने लीडर दा बंदा, उह परवाना वेख के सिक्योरिटी वाले पुलिस वाले छड दिंदे वी जा भाई तेरे नाल मत्था नहीं लाउणा। किधरे भी दुख आया, किधरे भी रोग आया, किधरे भी सोग आया, नाम का परवाना इदा काम करता है, सब अगे लंघते जाओगे। पांधा जी नजात तुहाडी पढ़ाई ने नहीं दवानी, नजात ब्रह्म के ज्ञान ने दवानी है। अच्छा पांधे दे गलुए चों ये बोल निकले, कहिंदा ये लेखा तुसी जानदे हो, ते मैनू समझ लग गई भी ये लेखा तुसी दुनिया नू पढ़ाउण आए हो, तुसी पढ़न नहीं आए। दीन दुनिया दे मालक दी वड्याई विच कवि संतोख सिंह कहिंदे ने नानक प्रकाश अंदर, कहिंदे देह धरा जा कारण धरनी, बय लग करन लगे सो करनी,
कहिंदे दे धरी सी दुनिया ते बाणी प्रगट करन नूं। बड़ी हैरानी है कवि जी कहिंदे बचपन तो ही ये कर्म करन लग पए ने। जन नानक बोला ब्रह्म विचार जो सुणै कमावै सो उतरै। पारे ब्रह्म दे बोल बोलन लग पए ने। किहड़े बोल? जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान में लालो। जेड़ा गुरु नानक दे बोलां ते पहरा दवेगा जन्म ना मरै, ना आवै ना जाए हर छेती ओह रहै। समाए उहदा आवागमन मिटेगा, उहदे रोग सोग मिटणगे, उह परमात्मा विच अभेद हो जाएगा। ही रिमेन्स ब्लेंडेड विद द लॉर्ड, खुदा विच इकमिक हो जाएगा उह जिहड़ा गुरु नानक दे गीत गावेगा। पंडित जी ये बचन कमाने पैने ने। नानक प्रकाश दे बोल ने तब कपोल कल बोल अमूल है जो ताली गुण कुलफह खोल है। अगे कवि जी कहिंदे ने वाक अनोचित मैं जो बखाने क्षमा करो अब श्री प्रभ जानै। पांदे ने पकड़ ले चरण आखण लगा गुरु नानक साहिब तुहाडे बोल बड़े सुंदर ने, बड़े महान ने, अजमती ने। मैं तुहाडी शान विच जिन्ने भी अयोग बचन कहे ने मैनू माफ कर दिओ। तुसीं जिहड़ा लेखा पढ़ाउण आए हो वो लेखा तो कोई जानदा ही नहीं है। अस कह वार वार पद बंदन तुझ दर्शन त्रै ताप निकंदन। इदा कह के वार वार चरण चुमे गुरु नानक दे, कहिंदे तुहाडे दर्शन कीतियां रजो तमो सतो ए माया दे पाप लै जांदे ने, रोग सोग मिट जांदे ने। नाम धरायो कालू नंदन नर तारन कलके मत मंदन। ऐ अकाल पुरख तू आप कालू जी दा नंदन बन के दुनिया ते आया है, नानक बनया है तू। बड़ी वड्याई कीती महिता कालू जी नू, कहिंदे ए दुनिया नू पढ़ाउण आया है पढ़न नहीं आया। कहिंदे महिता कालू जी सुन बोलियो मन सो कर बंधन विद्या निपुन कुमत निकंदन। ये पापा नू मिटाउण दुनिया ते आया है। इनू ओ पढ़ा सकदा है जेड़ा इहदे नालों वध पढ़िया होवे ते कहिंदा गुरु नानक नालों वध पढ़िया दुनिया ते है कोई नहीं है। सुत को सुत नह जानियो है किह को अवतार, बिना पढ़े ही पढ़ रहे हो सबन पढ़ावन हार। कालू जी इहनू ना समझो भी लोकां दे बच्चियां वर्गा बच्चा है, ये बिना पढ़े पढ़ा रहा है सब नू, लोकाई नू तारन आया है। सारे इलम पैदा करन वाला परमेश्वर, विद्या पैदा करन वाला गुरु नानक बन के आया है। कहिंदा इस पढ़ने के पर हो ना ख्याले, सब करता जो विद्या जाले। ये नहीं भी मेरे पासों हटा के किसी होर विद्यालय लै जाओ, ये ख्याल कढ दिओ मन विच। इनू पढ़ाउण वाला दुनिया ने कोई पैदा नहीं किया, रूहे जमीन ते आया कोई नहीं है। ख्याल छड्डो ते इनू घर नू लै जाओ। वो लै गए घर नू महिता कालू जी, कोल बैठे ने। कहिंदे फरसंद पंडित गोपाल जी ने पांधा जी ने आख्या है भी तुसीं प्रवीण बड़े हो सुरत तो, पर मैनू किवें यकीन होवे जे वाकई उज्जल बुद्धि है। आम घरां दे विच गीता पढ़ी जांदी है भगवत, तुसीं सप्त सलोकी गीता दा कोई मैनू अर्थ करके ही सुना दिओ। हरे गलुए च बोल सन महिता कालू दे, गुरु नानक साहिब दे अंदरों भंडारा प्रगट होया बाणी दा। कवि संतोख सिंह लिखदे ने अर्थ बखान्यो सतगुर पूरे, भव तारन कोह जेह पद रूरे। तारनहार गुरु नानक दे गलुए चों संस्कृत प्रगट होण लग पई। हैरान रह गए महिता कालू जी, ये सप्त सलोकी गीता दे अर्थ करन लग पए ने। वेखो जिहड़े गीता पढ़दे ने ना भगवत गीता विचों, सार रूप जिहड़े सत सलोक ने उन्हां दी बात है, बड़े कठिन ने। सरवत कव्यंग सरवस्य ये तकरीबन सत श्लोक ने उहदे मुख। खैर
ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵਹੋ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚ ਸਮਾਵਹੋ। ਕਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਬਖਸ਼ਣ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਇਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਪਰਸਤੋ ਫਜ਼ੀਲਤ ਮਵਾਬ, ਹਕੀਕਤ ਸ਼ਾਨਾਸੋ ਨਬੀ ਉਲ ਕਿਤਾਬ। ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਰਾਤਬਾ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਵਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਹੇ ਥਾ। ਵਿਰਲਾ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ।